प्रदेश के मुरादाबाद जिले में डीलरा रायपुर गांव में लोगों ने कैशलेस चंदा जुटाकर सैनिटाइजर तैयार किया और खुद को तथा गांव को सुरक्षित करने में जुट गए। आपको बता दें कि बीते दिनों जब मुरादाबाद के मुंडा पांडे में विदेश से आई एक युवती को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लोग दहशत में आ गए। स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के गांव को सैनिटाइज भी किया। जिस जगह पर यह युवती निवासरत मिली थी वहां से 10 किलोमीटर दूर डीलरा रायपुर गांव में भी लोगों ने सजगता दिखाई। पूर्व प्रधान अजय वीर यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया। सभी ने सहमति जताई और सभी अपने अपनी तरह से जुट गए। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए धनराशि भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जुटाई गई। कुछ ने अपने स्तर से सामान लाने में मदद की। गांव के रहने वाले चिकित्सकों डॉक्टर नवदीप व डॉक्टर प्रमोद ने भी इसमें अपनी मदद दी। सुझाव दिया गया कि लोगों को सैनिटाइजर मुहैया करवाया जाए और गांव को भी सैनिटाइज किया जाए। इस तरह सभी ने मिलकर सैनिटाइजर तैयार किया, जमावड़ा नहीं होने दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, बल्कि दो दो लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम किया। जैसे कुछ ने ग्रामीण को जागरूक किया तो कुछ ने खुद के बनाए गए सैनिटाइजर को ग्रामीणों को उपलब्ध करवाया तो कुछ ने गांव को सैनिटाइज करने में अपनी सहायता दी। पूर्व प्रधान अजय वीर यादव ने बताया कि गांव में लगभग 2000 लोग निवास करते हैं। कोरोना वायरस के नाम से सभी परेशान थे, गांव सैनिटाइज होने से सभी खुश हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल पर गांव को निरंतर सैनिटाइज करने का अभियान चलता रहेगा। वहीं डॉक्टर नवदीप यादव ने बताया कि सैनिटाइजर बनाने के लिए 10 लीटर स्प्रिट, 1 किलो फिटकरी, हाइड्रोजन पोरोक्साइड व साथ ही एंटी लार्वा दवा जुटाई गई थी। 5 लीटर स्क्रिप्ट में 60 मिलीमीटर ग्राम एंटी लार्वा के साथ हाइड्रोजन पोरोक्साइड व इत्र डालकर सैनिटाइजर तैयार किया गया है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? अजय वीर, पूर्व प्रधान डीला रायपुर। जी अजय जी, कोरोना से लड़ने के लिए आपके गाँव में क्या व्यवस्थाएं की है और किस तरह से आप लोग ये जंग लड़ रहे हैं? हम लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए गांव में ही सैनिटाइजर तैयार किया और वो गांव के मुख्य स्थानों पर जैसे मंदिर है, मस्जिद है और कुछ मुख्य चिन्हित स्थान है जहां से आदमी को निकलना है, जाना है, जो विशेष रूप से जाना मजबूरी है, जैसे गांव के जो पशु उनके लिए चारा ला सके, उन लोगों को ये भी जागरूक किया गया कि समय समय पर वो सैनिटाइज करें, अपने हाथ साफ करें, कम से कम लोगों को घर से निकलें, एक दूसरे से संपर्क ना करें। अच्छा, इसके लिए फंड कहाँ से आया? फंड हमारे कुछ गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे पूर्व प्रधान गुलाब सिंह जी हैं, सत्येंद्र कुमार हैं, अमरेश जी हैं, डॉक्टर प्रमोद हैं, डॉक्टर नवदीप हैं, सुरेंद्र पाल सिंह हैं, आदि लोगों ने हमें अपना चंदा देकर सहयोग प्रदान किया। किस तरीके चंदा? कैशलेस चंदा दिया गया। अब आप क्या क्या अपील कर रहे हैं ग्रामीणों से? गाँव वालों से ये अपील है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना चाहिए, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार से एक अनुरोध है और अपील है, न्याय पंचायत पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए बैन टाइप की, जो जरूरी सामग्री है वो न्याय पंचायत वाइज घुमाई जाए जिससे लोग घर से ना निकल पाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवदीप यादव है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना की महामारी इस समय पूरे देश में है, पूरे विश्व में है, ऐसे में कोरोना से जंग लड़ने के लिए आप लोग किस तरह से तैयार हुए और अपने गाँव को किस तरह से आप बचा रहे हैं? देखिए, हम लोग ने यहाँ पर अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है अपने क्षेत्र का ही और उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहे हैं कि आप लोग घर में रहें और बहुत अगर इमरजेंसी नहीं है तब तक बिल्कुल घर में ही रहें, कोई बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति है तब आप हमें बताइए, प्रशासन को बताइए, हम लोग मदद करेंगे जो भी हर संभव मदद हो सकती है, क्योंकि इस वक्त राशन की और दूध की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जो गांव में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम आसपास के गांव में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें और कोई भी भूखे पेट ना सोए, हमारा ये पूरी प्राथमिकता है। गांव को हम सैनिटाइज करा रहे हैं बार बार, बीच बीच में मतलब हर 4-5 घंटे में हम छिड़काव करा दे रहे हैं, क्योंकि हमारे गाँव से और 7-8 गाँव का रास्ता है तो बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। फिलहाल 2 दिन से, कल से तो लॉकडाउन है तो अब तो आवागमन नहीं है और लोगों से यही अपील है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। किस तरह से ये सैनिटाइजर बनाया गया है आपके? चूँकि मार्केट में सैनिटाइजर की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा आसमान छू रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, तो हम लोगों ने ऑनलाइन स्प्रिट मंगवाया और हाइड्रोजन पोरोक्साइड हमने उसमें मिलाया है और अच्छी खुशबू के लिए उसमें इत्र मिलाकर हमारा लगभग हमने 50 लीटर
सैनिटाइजर तैयार किया और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। गांव में छिड़काव के लिए हमने नेफ्थलीन और फिटकरी का घोल भी तैयार करवाया है और एंटी लार्वा मलेरिया का जो दवाई होती है उसका भी छिड़काव हमने नालियों में करवाया है, जिससे और भी विषाणुजनित बीमारियां ना फैलें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केवल एक ही अपील है और एक ही इसका उपचार है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने घर में रहें, अपने परिवार के साथ समय दें। आप अगर स्वस्थ हैं, आपने अपने आप को बचा लिया, तो आप समझ लिए आपने पूरे भारतवर्ष को बचा लिया। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.